अगर आप लोग सादा चावल खाते खाते बोर हो गए हैं तो मेरी आज की इस मज़ेदार रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गरिमा और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बहुत ही सिंपल और टेस्टी मसाला चावल की रेसिपी। घर में अगर चावल बच गए हों या जब कभी सादा चावल खाने का मन ना करे तो मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आप सभी को ये बहुत पसंद आने वाली है। तो चलिए आज की इस मज़ेदार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मसाला चावल बनाने के लिए मैंने कढ़ाई में एक बड़ा चम्मच तेल गरम किया है। गरम तेल में हम डालेंगे भींगे हुए न्यूट्रेला को और इसे लगातार चलाते हुए गोल्डन होने तक फ्राई कर लेंगे। मैंने न्यूट्रेला को आधे घंटे के लिए नॉर्मल पानी में भिंगा कर रख दिया था। फूल जाने पर सारा पानी निचोड़ कर निकाल लिया और फिर इसे तेल में तलने के लिए डाल दिया। तो ये देखिए न्यूट्रेला का कलर अच्छा गोल्डन हो चुका है। चलिए सारे न्यूट्रेला को हम तेल से निकाल लेते हैं। न्यूट्रेला तल चुका है और ये अच्छे खासे कड़क और सुनहरे हो चुके हैं। इसके बाद मैंने यहाँ लिया है कटा हुआ प्याज, कटे हुए बीन्स, एक कटा हुआ टमाटर, थोड़े से हरे मटर, दो कटी हुई हरी मिर्च, कटे हुए पीले शिमला मिर्च, कटी हुई गाजर और कटी हुई हरी शिमला मिर्च। बचे हुए तेल में मैंने यहाँ डाला है एक चम्मच जीरा और इसके बाद हम कटी हुई सब्जियों को इसमें डाल देंगे। मसाला चावल बनाने के लिए आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी ले सकती हैं। तो ये देखिए सब्जियों को मैंने इसमें डाल दिया और इसके बाद इन सभी सब्जियों को हम लगातार चलाते हुए 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे। सब्जियों को चलाते वक्त गैस की आंच को आप मीडियम ही रखें। 2 से 3 मिनट सभी चीज़ों को भून लिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे लगभग 1/4 चम्मच या थोड़ा सा नमक और फिर इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाकर मिला लेंगे। और अब हम इन सब्जियों को ढककर धीमी आंच पर 2 मिनट तक पका लेंगे। 2 मिनट हो चुके हैं और अब हमारी सब्जियां भी थोड़ी पक चुकी हैं और टमाटर भी अच्छे खासे सॉफ्ट हो चुके हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाकर मिला लेंगे। इसके बाद हम इसमें तले हुए न्यूट्रेला को डालेंगे और इस न्यूट्रेला को भी सब्जियों के साथ अच्छी तरह से चलाकर मिला लेंगे। सब्जी में जो हमने नमक डाला था, नमक डालने से सब्जियों ने अपना पानी छोड़ा है और वो पानी न्यूट्रेला ने सोख कर लिया है, जिससे उसमें भी अच्छा फ्लेवर आ चुका है। इसके बाद हम 1 कप उबले हुए चावल को इसमें डालेंगे। चावल आप कोई भी ले सकती हैं। इसके बाद बारीक कटी हुई हरी प्याज के पत्ते और बारीक कटा हुआ हरा धनिया और इसके बाद स्वादानुसार नमक या 1/2 चम्मच नमक डालेंगे और हम 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर भी ले रहे हैं, उसे भी हम इसमें डालेंगे और अब इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से चलाते हुए मिला लेंगे। ये देखिए सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरह से मिल चुकी हैं। इसके बाद हम इसमें डालने वाले हैं लगभग 1 चम्मच देसी घी। इस देसी घी से इस चावल का स्वाद बहुत ही ज़्यादा बढ़ने वाला है। बस इसे भी अच्छी तरह से हमें चलाते हुए इस चावल में मिला लेना है। ऊपर से देसी घी मिलाने पर स्वाद में वो और भी ज़्यादा उभर कर आता है। देसी घी अच्छी तरह से मिलाने के बाद हम इसमें मिलाने वाले हैं 1/4 चम्मच कुटी हुई या काली मिर्च का पाउडर और 1/2 नींबू के रस को। इन सभी चीज़ों को मिलाने के बाद हमें गैस तुरंत बंद कर देना है। आप चाहें तो गैस बंद करके भी इन सभी चीज़ों को चावल में मिला सकती हैं। सभी चीज़ों को चावल में मिला लिया है। इसके बाद हम गैस बंद करके इस चावल को 1 मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि नींबू का फ्लेवर इस चावल में अच्छी तरह से घुल मिल जाए। तो ये देखिए हमारे मसाला चावल बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो अब इन्हें हम ऐसे ही गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो दोस्तों आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ अब अपने अगले किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।